कवर्धा जिला में झंडा हटाने को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। पार्टी और धर्मगुरु के बीच विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर पार्टी के लोगों ने ही लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें एसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह, एएसपी समेत 16 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल मौके पर 200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी धर्मगुरु के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग शुक्रवार को रैली निकाल रहे थे, उसी दौरान यह विवाद हुआ। हमले बाद पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस छोड़े बल प्रयोग किया। घायल पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। दरअसल भोरमदेव थाना क्षेत्र के हरमो गांव में कुछ समय पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने गांव में पूजा स्थल पर ही पार्टी का झंडा गाड़ दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने तय किया कि पूजा पाठ करने वाले जगहों पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए। इस बार 14 फरवरी को धर्म गुरुओं ने पार्टी का झंडा हटा दिया था। 14 फरवरी को जब झंडे को हटाया जा रहा था, तब भी पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। इसके बाद समाज के धर्म गुरु दुर्गे भगत के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी। पार्टी के लोगों ने कहा था कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। पिछले 15-20 दिन में धर्म गुरुओं पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो शुक्रवार को पार्टी के करीब 800 से ज्यादा लोग राजा नवा गांव पहुंच गए। यहां से वे हाथ में लाठी ले रैली निकालते हुए हरमो की ओर जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने इन्हें रास्ते में रोकने का प्रयास किया तो वे भड़क उठे और पुलिस पर ही पथराव कर दिया। इसके साथ में ग्रामीणों पर भी पथराव किया गया। इस मामले में एसपी ने कहा, हमने दोनों पार्टी को बुलाकर बात करके हल निकालना चाहा, मगर ये लोग नहीं आए, इस वजह से तकरार बढ़ी। फिलहाल मौके पर पहले हालात को स्थिर कराया जा रहा है, फिर इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।